नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड के लिए आज का दिन काफी अहम है। जमीन से जुड़े मामले में आज ईडी की टीम सीएम हेमंत सोरेन से दूसरी बार सीएम आवास में पूछताछ करेगी। इससे पहले 20 जनवरी को करीब 7 घंटे से अधिक पूछताछ हुई थी। हालांकि सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास में ईडी ने जब दबिश दी तो उनका कोई सुराग नहीं लगा। हर जगह तलाशी होती रही, जिसके बाद करीब 40 घंटे बाद रांची में सीएम हेमंत सोरेन मिले। इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक का दौर चला, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन को हर समर्थन का सत्ता पक्ष के विधायकों ने दावा किया। साथ ही सादे कागज पर हस्ताक्षर कर अपना पूरा समर्थन भी देने का भरोसा दिया। आज फिर सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है, जिसे लेकर सियासत का पारा हाई दिख रहा है। सीएम आवास, ईडी ऑफिस और राजभवन के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लगा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक नहीं हो। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां दोपहर 1 बजे ईडी से सामना होना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, और इससे ईडी के सवालों से सामना होने के पहले, पेशी होने से पहले एक बैठक का भी दौर चलेगा सत्ताधारी विधायकों के साथ। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और तीसरा सवाल भी है कि क्या पत्नी को कमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सौंपेंगे, क्योंकि इस विकल्प पर भी विचार करने की चर्चा लगातार हो रही है। और कल भी जो बैठक हुई थी उसमें कल्पना सोरेन विधायकों के साथ नजर आई थी। और हमारे साथ अविनाश और ओम प्रकाश की मौजूदगी है, ओम प्रकाश के पास चलते हैं। ओम प्रकाश, आपकी मौजूदगी कहाँ है, और आज 1 बजे का वक्त होगा जब ईडी सवाल पूछेगी और उन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देना है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। बता दें कि आज यहीं से जो ईडी के अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना होंगे, जहां पर उनसे पूछताछ की जानी है। बता दें कि जमीन घोटाले से जुड़े मामले को लेकर ये पूछताछ होगी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास से जो कैश की बरामदगी हुई है उसे लेकर भी जो पूछताछ है वो ईडी के अधिकारी करेंगे। ये जो जानकारी है वो सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने वहां पर छापेमारी की थी और वहां से जो 36,34,000 रुपए कैश की बरामदगी हुई थी, उससे संबंधित सवाल भी ईडी ज़रूर करेगी, क्योंकि वहां पर जो भी लोग मौजूद थे, जो स्टाफ मौजूद थे, उन लोगों के द्वारा भी बयान जो है वो ईडी के द्वारा लिया गया था। तो कहा जा सकता है कि इस बार जो मुश्किलें हैं मुख्यमंत्री की वो कैश की वजह से कुछ ज़्यादा ही बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जाहिर तौर पर जमीन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था, जिसको लेकर ईडी के अधिकारी जो हैं वो लगातार जांच कर रहे हैं। बड़गाई अंचल स्थित 9 एकड़ से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, भूंहरी जमीन है जहां पर बाउंड्री वॉल भी किया हुआ है, और ये जो पूरा इलाका है इसी के कब्जे को लेकर जो ईडी को जानकारी मिली थी कि यहां पर मुख्यमंत्री के परिवार के माध्यम से इस जमीन को कब्जा किया जा रहा था, और इसी फहरिस्त में जो राजस्व कर्मी था भानु प्रताप, उससे भी पूछताछ हुई थी, उसका भी बयान दर्ज किया गया था। तो वहीं जो अंचलाधिकारी मनोज कुमार थे उनका भी बयान दर्ज किया गया था। तो पूरे मामले को लेकर जो पूछताछ का सिलसिला है, जो कड़ियां जुड़ रही हैं उससे बिल्कुल प्रकाश बने रहिए। अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, अगर सीएम हाउस की अगर बात करें तो वहां किस तरीके की हलचल, क्योंकि जो सवाल जवाब होने हैं उससे पहले एक बार फिर से विधायकों के साथ बैठकों का दौर भी चलेगा, और यहां क्या फिर से रणनीति चर्चा होने की उम्मीद? तो आज का दिन बहुत खास है, खास इसलिए है क्योंकि आज दूसरी बार, अगर आप 20 जनवरी को पहली बार ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर आए थे और 7.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी, आज ये दूसरा मौका होगा एक ही महीने के अंदर, इसी जनवरी के अंदर 20 तारीख के बाद आज फिर 31 जनवरी को 1 बजे का समय निर्धारित है, और इसी मुख्यमंत्री आवास में ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे। वहां जो हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, जो ईडी कार्यालय है वहां से तकरीबन 12:40 के करीब वहां से ईडी के अधिकारी को आएंगे, यहां उनको स्कॉर्ट करके लाया जाएगा। जो आपने जानकारी दी वो सही है, 144 लागू है धारा, 3 जगह को स्पॉट किया गया है। लेकिन इसके बावजूद हम आपको एक जानकारी दे दें कि जो पहले से जेएमएम के कार्यक्रम निर्धारित थे 31 जनवरी तक के लिए, वो भले ही उसे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जेएमएम के बड़े नेताओं की मनाही के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे जिला अध्यक्ष जो जेएमएम के हैं वो अपने समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रांची पहुंच सकते हैं। ये हमारी
सूचना है जो सूचना इस वक्त आ रही है, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जितनी देर तक पूछताछ हुई थी इस सीएम आवास में, उतनी देर तक जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं, जो दो चौक है सीएम आवास के पहले और बाद की अगर हम बात कर ले राहुल, आपको याद होगा कि सूचना भवन जो चौक है वहां भी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे, और इसके अगर सीएम आवास को अगर आप पार करते हैं जो गोंदा थाना है उसके सामने भी जेएमएम के कार्यकर्ता सड़क पर बैठे थे, उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। जो तीसरी बात है जो आपने कही कि एक बैठक, बैठक वो नहीं कहेंगे क्योंकि पिछले बार भी ये रणनीति बनाई गई थी कि जितनी देर तक सीएम से यहाँ पूछताछ होगी उतनी देर तक सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं, चाहे वो जेएमएम के हों, कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों, वो सभी लोग इसी बगल वाले जो सीएम आवास है उसमें उतनी देर तक। चलिए बिल्कुल अविनाश और ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर से वापस आएंगे। तो ईडी की पूछताछ आज होनी है, सीएम हेमंत सोरेन से ये पूछताछ की जाने वाली है, और इससे पहले की अगर बात करें तो झारखंड में सियासी हलचल काफी तेज दिख रही है। ईडी की टीम सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी, दोपहर 1 बजे का वक्त दिया गया है और ये वक्त खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया। सीएम आवास ईडी की टीम पहुंचेगी, सीएम आवास ईडी ऑफिस के पास सुरक्षा जो है वो काफी कड़ी कर दी गई है, वही सुरक्षा को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई ताकि कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहे, क्योंकि जो जानकारी भी सामने आ रही थी। और देखिए अब पूरा मामला आपको बताते हैं कि झारखंड में किस तरीके से सियासत हो रही है। तो जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ यह मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, बड़गाई के बरियातू की जमीन का यह मामला है, 8.46 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ यह मामला है, नियमों की अनदेखी कर जमीन कब्जा का आरोप है। अब तक इस पूरे मामले में 10 बार ईडी समन जारी कर चुकी है, और वहीं इससे पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले सोमवार से लेकर मंगलवार तक दिल्ली से लेकर रांची तक सियासी हलचल दिखी। सोमवार को ईडी ने दिल्ली में दबिश दी, दिल्ली आवास पर सीएम नहीं मिले थे। दिल्ली से रांची तक ईडी के एक्शन पर रिएक्शन भी देखने को मिला, करीब 40 घंटे बाद दिल्ली से रांची सीएम पहुंचते हैं। रांची पहुंचे सीएम ने कहा कि मैं आपके दिलों में रहता हूं, और तस्वीर भी सामने आई थी। तो देखिए इस बीच बैठक भी होती है, और बैठक के बाद से सत्ता पक्ष के विधायकों ने सीएम के साथ एकजुटता का परिचय भी दिया। कल दिन भर रांची में बैठकों का दौर चलता रहा, सीएम ने सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ बैठक की, बैठक में विधायकों ने एकजुटता दिखाई, सादे कागज पर हस्ताक्षर कर समर्थन पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा गया। वही पत्नी कल्पना सोरेन को बागडोर सौंपने की अटकलें भी इस बीच है। तो झारखंड में अभी किन किन प्रमुख घोटालों की जांच चल रही है इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो सेना की जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, आदिवासियों की जमीन की अवैध बिक्री का यह मामला सामने आया है, साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़ा 1,000 करोड़ का मामला है, मामला काफी बड़ा है, शराब के थोक कारोबार पर एकाधिकार से जुड़ा हुआ शराब घोटाला, मनरेगा योजना में 28 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ यह मामला, और इन्हीं मामलों को लेकर के पूछताछ लगातार हो रही है। अब बात करते हैं झारखंड में सियासत को लेकर के संभावनाएं क्या क्या है। तो देखिए सीएम सोरेन के सियासी सस्पेंस को लेकर के कई कयास इस बीच लगाए जा रहे हैं, और ऐसे में कई सवाल भी है कि क्या सियासी खेला झारखंड में होगा, सीएम सोरेन का प्लान बी क्या है। तो सीएम सोरेन पर सियासी सस्पेंस बरकरार है, और सवाल ये कि क्या सीएम सोरेन सरकार गिराएंगे। सवाल सियासी और भी है कि झारखंड में लालू राबड़ी मॉडल लाएंगे। सवाल यह भी है कि सीएम सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन को पावर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जिस बात की चर्चा लगातार हो रही है विधायकों से भी इस पर मत मांगा जा रहा है। कल पूछताछ से पहले महामंथन का दौर भी रहा, महामंथन में पत्नी कल्पना सोरेन की मौजूदगी रही जो पीली साड़ी में नजर आई। अब आपको बताते हैं कि सरफराज अहमद की सीट खाली है, और इसको लेकर भी कई जो सियासी ताने बाने उसको बुनने की कोशिश हो रही है। गांधी विधानसभा सीट इस्तीफे के बाद से खाली है, और ऐसे में सवाल यह है कि क्या गांधी विधानसभा से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगे, किसकी इस बात की चर्चा तब से ही हो रही है। और देखिए कब कब समन मिला है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि 14 अगस्त 2023 को समन मिला, गैर हाजिर है,
24 अगस्त को दूसरा समन जारी होता है, गैर हाजिर मुख्यमंत्री रहे। 9 सितंबर को भी एक बार फिर से समन जारी किया गया और फिर से वो तारीख बढ़ती गई। 12 दिसंबर को भी गैर हाजिर रहे, 30 दिसंबर में भी मौजूदगी नहीं हुई। 13 जनवरी पूछताछ हुई थी, 22 जनवरी 2024 को गैर हाजिर रहे और 27 जनवरी की तारीख की अगर बात करें तो पूछताछ की कई जो तारीखें हैं वो दी जाती रही। 10 समन सब तक जो जारी है वो कर दिए गए हैं। तो ये तारीख एक एक कर हम आपको दिखा रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया। संदेश भी वो इस बीच भिजवाते रहे। और देखिए ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश, जिससे ईडी की हम बात कर रहे हैं, तो ईडी के सवाल किस तरीके के आज हो सकते हैं, क्योंकि जो लेटर के जरिए समय की मांग की गई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, उसमें कई डिफेंड वाली चीज, बचाव वाली चीजों का भी जिक्र किया गया था। तो क्या लग रहा है कि वही बचाव करने की कोशिश आज हेमंत सोरेन करेंगे या फिर चुनौतियां बढ़ाने की कोशिश ईडी की तरफ से की जाएगी? बिल्कुल, अगर ईडी की तरफ से अगर बात की जाए तो जमीन से जुड़े हुए न सिर्फ बड़गाई अंचल की जमीन को लेकर पूछताछ की जाएगी, बल्कि साथ ही अगर बात की जाए तो पूरे मामले में जो बयान अब तक सामने आए हैं उन बयानों को लेकर भी पूछताछ जो है वो की जाएगी। इसमें जो महत्वपूर्ण बयान है वो बता दें कि जो राजस्व कर्मचारी भानु हैं उनसे संबंधित भी ये सवाल जो है वो किए जाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा ये बताया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माध्यम से उन्हें फोन आया करता था और वो उस जमीन को लेकर लगातार जो कागजी प्रक्रिया है उसे कराने की बात जो है वो बयान में उनके द्वारा कही गई थी। वहीं पर इस पूरे मामले में जो ईडी के पास जो सीडीआर रिपोर्ट है, जिस तरह से वो पूरी सीडीआर रिपोर्ट आई थी, उन तमाम सीडीआर रिपोर्ट के हवाले से भी इस कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो ईडी के सवाल में मुख्यतः बड़गाई अंचल से जुड़े हुए जमीन से रिलेटेड जो पूछताछ है, जो सवाल है वो तो शामिल रहेंगे ही। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में अब जो नई चीजें जुड़ गई हैं, जैसे कि दिल्ली आवास में जो छापेमारी की गई वहां से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं, उन दस्तावेजों से संबंधित भी सवाल जो हैं वो जरूर ईडी के अधिकारियों के द्वारा किए जाएंगे। तो साथ ही जो कैश की बरामदगी हुई है दिल्ली में, बिल्कुल, तो कैश परेशानी मुख्यमंत्री की बढ़ा सकती है। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, आपसे जानकारी, विधायकों की जो बैठक होनी है और उसमें क्या कुछ चर्चाएं होनी है, क्योंकि एक तरफ कल्पना सोरेन का भी जो नाम है वो चर्चा में बना हुआ है कि क्या विकल्प तलाशने की कोशिश की जाए, तो क्या इस बैठक के मायने निकाले जाएं जो पूछताछ से एक बार फिर से पहले बैठक होनी है? ये देखिए, बैठक नहीं होनी है। मैंने कहा इससे पहले भी कि विधायकों को सीएम आवास पर 12 बजे सिर्फ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा कि 20 जनवरी को जब ईडी के अधिकारी यहां पहुंचे थे उस वक्त भी ये जितने भी सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो एकजुटता दिखाने के लिए, एकजुटता का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ वो खड़े हैं, इसलिए वो उतनी देर तक, देर रात तक वो जो सीएम आवास है जिसमें सरकारी रूप से जो सीएम आवास घोषित है उसी आवास में वो बैठे रहे और बाहर जो है उनके समर्थक बैठे हुए थे। आज भी यही रणनीति बनाई गई है, समय 1 बजे का निर्धारित है, इसलिए 12 बजे तक सभी विधायकों को कहा गया है कि वो फिर से एक बार पिछली बार की तरह ही एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए वो यहाँ पहुंचेंगे और जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के विधायक उस आवास में रहेंगे जब तक ईडी पूछताछ करेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि एक सवाल जरूर यहाँ उठता है कि अगर सीएम हेमंत सोरेन से जब पूछताछ शुरू होगी उससे पहले हम ये कह सकते हैं कि क्या हेमंत सोरेन जो अपने सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये एक जरूर प्रश्न है और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है क्योंकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हो सकता है कि जब सारे विधायक वहां मौजूद रहेंगे तब वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के अधिकारियों के आने से पहले उस आवास में जाकर अपने सहयोगी दलों के जितने भी विधायक हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो इंतजार करना होगा क्योंकि जो समय है बहुत ज्यादा नहीं बचा है, 1 बजे का समय पहले से निर्धारित है। ये दूसरी बार होगा जब मुख्यमंत्री आवास पर ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे, जहां जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि जो सवालों की फहरिस्त है वो लंबी हो सकती है, सिर्फ अब जमीन तक ही मामला नहीं, बिल्कुल, तो सवालों की फहरिस्त लंबी हो सकती है और कोशिश भी यही है कि एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश की जाए कि सत्ताधारी दल के जो भी विधायक है वो एक साथ एकजुट होकर के हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस जानकारी के लिए। ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। ओम प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों नजर भी इस पूरी हलचल पर बना करके रखिए। बढ़ेंगे आगे। तो SV यादव से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई।
पटना ईडी में करीब 8 घंटे तक चली पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो वहां मौजूद आरजेडी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मीडिया वालों की भीड़ के बीच तेजस्वी अपनी गाड़ी पर खड़े होकर सभी का हाथ हिलाकर धन्यवाद दिया। बता दें कि रेलवे में लैंडफोर्ड जॉब से जुड़े मामले में सोमवार को पिता लालू प्रसाद से ईडी ऑफिस में 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई थी, जबकि मंगलवार को सुबह 11:30 बजे से ईडी ऑफिस में तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ की गई थी। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके से तेजस्वी यादव से सवाल पूछे गए, क्या क्या कुछ हुआ और जो तस्वीर हम आपको सामने दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर देखिए, एक रेलगाड़ी आपको आती हुई नजर आ रही होगी और इस पर पूरा मामला रखा हुआ है कि लैंडफोर्ड जॉब का यह पूरा मामला है, नौकरी के बदले जमीन देने से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, जमीन लेने का आरोप लगा, रेलवे की बहाली में गड़बड़ी हुई खास करके ग्रुप जी को लेकर के, वहीं लालू परिवार पर यह पूरा आरोप जो है वो लगा, लैंडफोर्ड जॉब का आरोप इस मामले में लगा जिसमें पूछताछ चल रही है, जमीन रजिस्ट्री कराई गई लालू परिवार की तरफ से, यह भी आरोप लगा। लालू और तेजस्वी इसमें आरोपी है और उनके साथ साथ राबड़ी और मिसा भी आरोपी इस मामले में बनाई गई, साथ ही हेमा यादव को भी इस पूरे केस में शामिल वो हुई। लालू 2004 से 9 के बीच जब रेल मंत्री थे तभी ये पूरा स्कैम जो है वो सामने आया था और इसी मामले को लेकर के ईडी की दबिश लगातार जारी है। तो देखिए लालू यादव से 50 सवाल पूछे गए, तेजस्वी यादव से 60 सवाल पूछे गए लैंडफोर्ड जॉब मामले में, राबड़ी देवी से 9 फरवरी को पूछताछ होनी है, मिसा भारती से भी 9 फरवरी को पूछताछ होनी है, तो एक एक परिवार के जो सदस्य हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं उनसे पूछताछ का दौर जो है वो लगातार चल रहा है और ऐसे में सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और चुनौतियां भी लालू परिवार के लिए बढ़ती जा रही है, मुश्किल में लालू परिवार नजर आ रहा है कि कैसे इन सवालों का जवाब दिया जा सके। बढ़ेंगे अगर इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है जहां शिक्षक बहाली फेज 3 को लेकर के एक्शन अब नजर आ रहा है और के पाठक एक्शन में है, अधिकारियों को विज्ञापन का प्रारूप दे दिया गया है और इसकी तैयारी भी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तीसरे फेज में लगभग 65,000 सीटों पर बहाली निकलेगी, आज शाम तक सभी डीओ रिक्तियां भेज देंगे। दूसरे फेज की बची लगभग 28,000 सीटें मर्ज होंगी, सभी रिक्तियां मिलने के बाद महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी, बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच जल्द बैठक की बात सामने आ रही है। 15 फरवरी तक हर हाल में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, बैठक में विज्ञापन की रूपरेखा और शर्तें तय होंगी, प्राइमरी से लेकर प्लस 2 तक का जारी विज्ञापन कर दिया जाएगा, 10 मार्च के बाद कभी भी थर्ड पेज की परीक्षा हो सकती है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश थर्ड पेज की बहाली को लेकर के अब एक्शन नजर आ रहा है, क्या कुछ निर्देश और प्लानिंग की जा रही है? देखिए न्यूज 18 को जानकारी मिली है राहुल, और न्यूज 18 ने ही सबसे पहले जानकारी दी थी कि जो अगस्त में तैयारी 3 यानी शिक्षक बहाली फेज 3 परीक्षा होनी थी वो अब मार्च में ली जाएगी, यानी के पाठक ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि विज्ञापन का प्रारूप तैयार करें, आज ही सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है रिक्तियां भेज देंगे, यानी जो खबर आ रही है कि 65,000 से लेकर 68,000 तक कुल वैकेंसी निकलेगी जिसमें प्राइमरी से लेकर प्लस 2 तक के वैकेंसी शामिल रहेंगे, तो कुल मिलाकर बीपीएससी और शिक्षा विभाग की एक बैठक होगी और बैठक के बाद विज्ञापन जारी होगा, यानी 15 फरवरी से पहले हर हाल में विज्ञापन जारी होगा, 10 मार्च के बाद कभी भी परीक्षा हो सकती है, और जिसको लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है और एक तरह से विज्ञापन का प्रारूप भी अब तैयार हो रहा है। चलिए बिल्कुल, तो एक्शन नजर आ रहा है और ऐसे में जो इंतजार में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उनका भी इंतजार पूरा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।